180 डिग्री घुमा ना बिहार में तीन महीने के अंदर, पूरा 180 डिग्री घूम गया। और अभी क्या क्या चल रहा है पीछे किसी को पता नहीं है। आप अभी देखिए कि कितनी बार घूमेगा, 360 हो जाएगा। देखते जाइए अभी आप, इसलिए अपना रास्ता पकड़ के ठीक चलते जाइए। बाकी जो जरूरत है, जिस चीज की भी जरूरत है, मैंने आपको कहा जो व्यवस्था चाहिए, जो रणनीति चाहिए, जो कूटनीति चाहिए, जो संसाधन चाहिए, उसकी चिंता थोड़े दिन हम पर भरोसा कर छोड़िए। आप देखिएगा कि कैसे आपके पीछे खड़े कर देते हैं। जो सबसे बड़ी ताकत होगी वो सब आपके पीछे, हमको खड़े करने की जरूरत नहीं है। जहां पर जनता खड़ी है वहां पर सबको खड़ा हो ही जाना है, तो कोई उसकी घबराहट नहीं है। आप जो सुन रहे हैं ये खबर कि भाजपा में जा रहे हैं और महागठबंधन में जा रहे हैं, तो कहते हैं ना कि बिना आग के धुआं नहीं होता है, उस खबर में दम है। आपको कह देते हैं खबर में दम है। दम क्या है? दोनों ओर से लोग कह रहे हैं कि इधर आ जाइए कि इधर आ जाइए, जिधर गए कि उधर पलटा, इधर गए तो उधर भारी हो जाएगा, इधर गए तो उधर भारी हो जाएगा। अभी कुछ किए है ही नहीं। अभी तो दो महीना पहले चलना, अभी तो दो महीना पहले आके परिचय करना शुरू किया है बिहार में। बताइए, आप कह रहे हैं इतने बड़े बड़े, ये महागठबंधन इतना बड़ा है, भाजपा इतनी बड़ी पार्टी है, उनको क्या जरूरत है रूमर फैलाने की कि प्रशांत किशोर हमारा दल ज्वाइन कर रहे हैं। भाई आपके पास तो पहले से इतना ताकत है, रहिए वहीं पर। आप जरा खुद समझिए क्यों रोज ये रूमर फैलाया जा रहा है। हम तो नहीं फैला रहे, काहे फैला रहे हैं ये लोग। आप घबराइए नहीं, बड़े बड़े नेताओं ने अपना भविष्य कभी मेरे हाथ में छोड़ा है साल भर दो साल के लिए। आप उतना भरोसा रखिए, हम हारने नहीं आए हैं। हम रोज रिपीट करते हैं, लड़ने के लिए लड़ने नहीं आए हैं। अगर लड़ने आए हैं तो जीतने का खाका बना कर आए होंगे, और अगर वो खाका सबको इतना रोड पर आराम से दिखता तो उसमें और हम में फर्क क्या है। फिर वो दिखेगा नहीं आपको, लेकिन आप देखिए कैसे धीरे धीरे उस वहां तक जोड़ देंगे। एक बार फिर आपने जो विश्वास जताया है इस अभियान को लेकर, इस सोच को लेकर, बिहार को बदलने को लेकर, आपकी अपने विश्वास में जो आपने विश्वास जताया है, उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, आपका आभार व्यक्त करता हूं। आपसे परिचय कुछ लोगों से मेरा व्यक्तिगत तौर पर है, कुछ लोगों से मैं समूह में मिला हूं, आगे कई बार मिलता रहूंगा। वैशाली आने में मुझे करीब 6 महीने लगेंगे जब मैं पदयात्रा शुरू कर दूंगा, तो उसके बाद 6 महीने लगेंगे। लेकिन आप में से जो व्यक्ति आकर मिलना चाहता है, सबसे बेहतर उपाय अब यही है कि आप आकर वहां पर यात्रा में हमारे साथ रहिए। 2 दिन रहिए, 3 दिन रहिए, 5 दिन रहिए, वहां आप रहेंगे तो जितने लोग आ रहे हैं उनके रहने खाने उसकी व्यवस्था हमारे सर पर है। आप लोग कहते हैं भैया 5 मिनट बात करना है, हम अगले 1 साल तक रोड ही पर है, आपको अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं है। आप आइएगा हमारे साथ, चलिए चलिएगा तो 1 बार 2 बार 5 बार 10 बार मिलने का, बात करने का अवसर मिलेगा आपको। मेरा आपसे विनम्र आग्रह है, आपको वो इनवाइट भी कर रहे हैं कि वैशाली पहुंचने में तो 6 महीने लगेगा, अक्टूबर से चलना शुरू करेंगे, तो जो रूट लोगों ने बनाया है उसके हिसाब से कई दिनों से। एक तो भैया ये किसी पार्टी में चले जाएंगे, ऐसा है कि हम कहीं नहीं जा रहे, आप चिंता मत कीजिए। जिस पार्टी को जिस नेता को आना है वो खुद ही आएगा। यह इतनी बड़ी धारा इसी को साल भर में बना देंगे कि इसी में जिनको आना होगा आना पड़ेगा, हम लोग कहीं नहीं जाने वाले। भरोसा रखिए, भरोसा रखिए। जो बात 3 यहां लिखी हुई है, सही लोगों के को जिनको चुनकर ला रहे हैं या जिनको चुनकर समाज निकाल रहा है, उनको छोड़ने वाले नहीं है किसी भी परमिशन में रहे। जो सही सोच है कि समाज को, बिहार को बदलने के लिए लोगों में जन जागृति फैलाकर समाज के माध्यम से ही उसको सुधारा जा सकता है, उसको छोड़ने वाले नहीं हैं। और सामूहिक प्रयास की जो बात है कि कोई एक व्यक्ति या कोई एक दल बिहार को सुधार नहीं सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ बिहार के लोग कर सकते हैं, इसको छोड़ने वाले नहीं हैं। गांधी जी को नहीं छोड़ने वाले हैं, इन भावनाओं को नहीं छोड़ने वाले हैं, जो लोग नीचे जुड़कर आ रहे हैं इनको छोड़ने वाले नहीं हैं। इसलिए बाकी चिंता मत कीजिए। नाम इसका जन सुराज पार्टी होगा कि कुछ दूसरा होगा, वो तो हम आपका दावा नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो आप ही तय कीजिएगा। इसलिए पार्टी के नाम पर मत जाइए, जो काम शुरू किया है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है।
एक और सवाल लोग पूछ रहे, भैया बिहार के लिए इन्होंने क्या किया है? ये तो अभी तक अपना काम करते थे, एकदम ठीक बात है, हमने बिहार के लिए कुछ इतना ऐसा काम नहीं किया है जिससे कि बिहार के लोगों को हमारे साथ आना चाहिए, लेकिन उसी लिए तो ये पूरा शुरू किया है। बिहार के लिए कुछ नहीं किया है इसलिए करने जा रहे हैं, और आने वाले जीवन के कई साल इसी में लगाएंगे। जो यहाँ का करने का दावा कर रहे हैं वो तो अपने बंगले से निकल नहीं रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हम गांव-गांव पैदल चल के जाएंगे, समाज को जगाएंगे, उनको बताएंगे कि आप में ताकत है, आप साथ में आइए और साथ में आकर बिहार को और अपने बच्चों के लिए आप बेहतर बिहार बनाने का जो आपका सपना है उसको पूरा करने में आप योगदान कर सकते हैं। आप में से जितने लोग आए हैं, इन समितियों का हिस्सा बने हैं, या जो लोग हैं जो अभी मन बना रहे हैं कि इनका बने हिस्सा न बने, आप पूरा समय लीजिए, कोई घबराहट नहीं है। आपका जब एकदम मन स्थिर हो जाए तभी साथ में आइएगा और लिख कर जाइए, लिख कर रखिए। जो लोग समितियों में आ रहे हैं और इनको चुनकर जिनको भी समाज कहेगा कि इन्हीं को अब चुनाव लड़ाना है, उसको उसके चुनाव के लड़ने की चिंता प्रशांत किशोर की है, उसकी चिंता नहीं है उसको पैसा कहाँ से आएगा, संसाधन कहाँ से आएगा। इस बात को मैं पहले भी कह चुका हूँ, इसको दोबारा रिपीट किए देता हूँ कि जो लोग कहते हैं भैया ऊपर से इन्हीं समितियों से कैंडिडेट निकाले जाएंगे, कोई कैंडिडेट ऊपर से आ नहीं सकता, जो इस समिति में जो प्रखंड की समिति में है नहीं वो पार्टी का कैंडिडेट कैसे हो सकता है। तो जब पार्टी बनेगी, बनाने वाले लोग ये प्रखंड की समिति होंगे, मुझे मालूम है, क्योंकि प्रखंड की जो समिति है आज की व्यवस्था में, जो राजनीतिक दलों की प्रखंड की समिति है, ब्लॉक की समिति है, उसका कोई वैल्यू ही नहीं है। इसलिए जो बहुत होशियार अपने आप को लोग समझते हैं या ताकतवर समझते हैं, वो सोच रहे भैया अभी बनने दो, ये काम होने दो, नीचे ऊपर से आएंगे फिर सोचेंगे हमको टिकट मिल जाएगा, हम तो उस समय देखेंगे हवा का रुख, अगर इनके फेवर में होगा तो इनके पार्टी से टिकट लेकर लड़ लेंगे। इन समितियों के बाहर कोई भी पार्टी का डिसीजन हो नहीं सकता है, और खासकर जो विधानसभा में जो प्रखंड हैं इन्हीं समिति के मेंबर में से ही चुनकर कैंडिडेट बनाए जाएंगे, ये भी आप लिख कर रखिए। कम से कम इतनी ताकत में जरूर संविधान बनते समय लिखवाऊंगा कि अगर आप ब्लॉक कमेटी प्रखंड कमेटी के मेंबर नहीं है तो आप पार्टी के कैंडिडेट चुनाव में नहीं हो सकते। तो जिसको बाहर बैठना है बैठने दीजिए, उसकी चिंता मत कीजिए। रिव्यू करते हैं तो बिहार में करीब करीब 50 ब्लॉक में, 50 प्रखंडों में ये प्रक्रिया शुरू है। कहीं लोगों ने पूरा बना लिया, कहीं लोगों ने अभी बनाने की प्रक्रिया शुरू की है, कहीं लोगों ने अब डेट के लिए रोका हुआ है कि भाई आप एक दिन समय दीजिए आइए तो इसका किसकी घोषणा करेंगे। और मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं कि साल भर के अंदर जब तक पदयात्रा हम लोग खत्म करेंगे तब तक बिहार के सभी प्रखंडों में और शहरों में ये कमिटियां बना दी जाएंगी। और मुझे मालूम है बहुत लोग अभी हैं राजनीति जो हमसे व्यक्तिगत तौर पर मिलते हैं, कहते हैं भाई आपके साथ हैं लेकिन अभी थोड़ा रुक जाइए, उनको मालूम है कि अभी देखते हैं कि कितना हद चलता है। आपको भरोसा दिला रहा हूं जो पहले आ रहा है, ये ऐसा नहीं है कि आप सब हवा बन जाएगा तो लास्ट में आकर आप आकर मलाई काटिएगा, ऐसा बात नहीं है। जो 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 ताकत लगाएगा, जो कंधा लगा रहा है उसी के कंधे पर चढ़ को लेकर आगे चलना है। आप इस बात का भरोसा रखिए और मेरे बात के लिए मुझे पकड़िएगा। इसके लिए जो ये ब्लॉक की समिति है इसकी इतनी ताकत है, क्योंकि जो मैंने कहा है कि इसको जब सारी समितियां बन जाएंगी, पदयात्रा मेरा हो जाएगा खत्म एक डेढ़ साल में, सारी समिति बन गई, यही समिति होगी जो बैठ के तय करेगी कि दल बने कि नहीं बने, इन्हीं सदस्यों को बुलाया जाएगा, यही सदस्य जो संविधान पार्टी का बनाया गया है ड्राफ्ट में बनाया जा रहा है, इन्हीं सदस्यों के वोटिंग से उसको अप्रूव किया जाएगा कि संविधान में कौन सी बात रखी जाए और कौन सी बात न रखी जाए। कई लोगों ने अभी सुझाव दिया है कि भैया पार्टी के संविधान में आप ऐसा बनाइए कि एक आदमी दो बार से ज्यादा चुनाव नहीं लड़ेगा, ताकि सिर्फ अभी आने वालों के लिए नहीं, आने वाले समय में भी ऐसा ना हो कि हम लोगों में ऐसे ही कोई आदमी बैठ के अजगर की तरह इस पार्टी पर बैठ जाए। मान लीजिए ये प्रस्ताव है, इसको संविधान में शामिल होना है कि नहीं, ये वोटिंग के लिए आएगा तो उसमें ब्लॉक समिति में जो मेंबर है वही वोट कर पाएगा, दूसरा कोई वोट नहीं कर सकता है, चाहे जितना।
हम लोगों ने कहा है कि पंचायती राज से जुड़कर जो लोग आए हैं, चुनकर आते हैं, उनके लिए 10% टिकट को रिजर्व किया जाए, पार्टी के संविधान में ही व्यवस्था किया जाए कि जो जनप्रतिनिधि हैं, जो वार्ड जीते हों, मुखिया जीते हैं, जिला परिषद जीते हैं, ऐसे लोगों को कम से कम 10% टिकट पार्टी से मिल दिया जाए हर स्तर पे। ये जब वोटिंग के लिए आएगा तो उसमें वोट यही ब्लॉक कमेटी के लोग कर रहे होंगे। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो पूरी सोच है कि प्रखंड की जो कमेटी है, जो समिति है, जो भी आप उसको नाम दे रहे हैं, जिसको आप मिलकर बना रहे हैं, इसी के पास पूरा ताकत होने वाला है, किसी एक प्रशांत किशोर के पास कोई ताकत नहीं होगी। मैंने शुरू में एक और बात कही थी कि जब ये पार्टी बने तो इस पार्टी का नेता प्रशांत किशोर नहीं होना चाहिए। आपको ये भी दोहराए दिए जा रहा हूँ फिर से, चूंकि ये संगठन बनने की एक छोटी पहल लेकिन छोटी लेकिन महत्वपूर्ण पहल हो रही है वैशाली में, कि जब ये दल बनेगा और इसके नेता का चुनाव हो रहा होगा तो उसमें प्रशांत किशोर का नाम आप नहीं देखिएगा, मेरा नाम लिख कर रखिए, मैं उसमें दावेदार नहीं बनूंगा। आप में से ही कोई चुनकर इस पार्टी का नेता राज्य के स्तर पर बनेगा, इसके लिए भी रिकॉर्ड करके रखिए। ऐसा नहीं है जब सारी समितियां बैठेंगी तो उसमें लोगों ने ये कहा कि भैया अगर चुन के आप ही का नाम आ गया तो, मैं आपको वो भी क्लियर किए देता हूं, मेरा नाम आ ही नहीं सकता है क्योंकि मैं इस बनाने की प्रक्रिया में शामिल हूं, तो मुझे उस चुनाव का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि हर कमिटी जो बन रही है ब्लॉक में उसमें कुछ ना कुछ हमारे जानने वाले लोग हैं, तो मुझे उसका एडवांटेज है। अगर मैं चुनाव लड़ूंगा तो स्वाभाविक तौर पर लोग मुझे वोट ज्यादा लोग कर देंगे। इसलिए जब दल बनेगा और दल के अध्यक्ष की नियुक्ति हो रही होगी, चुनाव हो रहा होगा, जब ब्लॉक समिति, जब प्रखंड समिति के लोग मिलकर इसका चुनाव कर रहे होंगे, उसमें प्रशांत किशोर का नाम नहीं होगा। इन्हीं ब्लॉक समितियों में से कोई एक लड़का चुनकर इस पार्टी का अध्यक्ष बनेगा और आप देखिएगा साल भर के बाद कैसे होता है।